हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे और हमेशा आप लोग अच्छे रहिए। तो गाइज, आज मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज हो सकता है तो मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से घर में बैठी हुई हूँ तो मन नहीं लग रहा था। तो आज मैं सोची कि थोड़ा सा बाहर जाऊँ और कुछ काम बचे हैं वो भी कर लूँ और घूम के भी आ जाऊँ। तो दोस्तों, अभी मैं रील्स बना के जल्दी जल्दी आई हूँ। मैंने जल्दी जल्दी रील्स की शूटिंग कर ली है ताकि मेरे पास टाइम की कमी ना हो। एक घंटे में मैंने सारे रील्स कंप्लीट कर लिया है। और गाइज, यही पहन के आज मैं रील्स बनाई हूँ। और जब मैं बाहर जाऊँगी तो मैं इस ड्रेस को चेंज करूँगी क्योंकि सेम ड्रेस पहन के नहीं जा सकती इस गेटअप में। तो गाइज, जुड़े रहिए, आज हम बाहर जाने तक का सफ़र आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है और आप लोग को मेरे ब्लॉग का इंतजार रहता है। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाती, बट रील्स तो रोज़ बनाती हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स रोज़ बनाती हूँ। तो जुड़े रहिएगा गाइज। अभी थोड़ा सा हम रेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि एक घंटे बाद मैं बाहर जाऊंगी। अभी थोड़ा सा जाती हूँ, जूस वगैरह पी लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतना गर्मी की वजह से मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और अभी मैं शूट करने गई थी तो इस टाइम में तो अभी ये मतलब 3 बज रहे हैं, थोड़ा सा धूप था, लेकिन कोई बात नहीं, सब मैं मैनेज कर लेती हूँ। आप लोग के प्यार से सब हो जाता है, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बात और है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा, जितना हो सके पानी पीजिए। और मार्केट में ये जो गर्मी वाले फल आए जैसे कि तरबूज, ये सब खाया कीजिए। तो थोड़ा सा आप लोग भी स्वस्थ रहिएगा क्योंकि बाहर में तो अभी लू चल रही है, तो इसे आप लोग को बच के रहना है। क्योंकि सभी लोग स्वस्थ रहे तो अच्छा है, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बहुत जगह पर मैंने सुना है कि टीचर की जान चली गई है लू लगने से। तो बाहर आप लोग जितना हो सके कम जाइएगा और इस गर्मी में अपने आप को बचाइएगा क्योंकि हमारा बॉडी ही हमारे लिए सब कुछ होता है। बाकी काम के चक्कर में हमें अपना बॉडी बर्बाद नहीं करना है, बच के रहना है क्योंकि जान है तो सब कुछ है। तो ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, पहले जूस पकड़ के आती हूँ, नहीं तो मैं प्रवचन देते देते मैं ही ऊपर चली गई तो क्या होगा। फिर शाम को भी यदुवंशी तो एक ही है दुनिया में और आप लोग हमें बहुत प्यार करते हैं तो मैं जाना नहीं चाहती। और अभी तो बहुत कुछ करना है इस जिंदगी में, इतना जल्दी के फ्रेंड्स देखिए, इसके बाल सूख गए हैं तभी जाके मिरर देख रही है और अपने बाल संभाल रही है। इसके बाद ये भी रेडी होंगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट, ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए। तो दोस्तों, वो बाल सुखाने के लिए मेरे घर आई थी और रेडी होने के लिए अपने घर चली गई थी। वो बाल सुखाने नहीं आई थी, एक्चुअली मैं कन्फर्म होने आई थी कि मैं जाऊंगी मार्केट या नहीं। एक्चुअली मैं, मुझे भी डर था और उसे भी डर था कि हम दोनों कहीं एक दूसरे को धोखा ना देते। तो मेरे घर आई, फिर बाल उसके भींगे थे तो मैंने बोला कि मेरे पास हेयर ड्रायर है, सुखा लो। तो बाल सुखा लिए, फिर अपने घर पे गई है, रेडी होगी उसके बाद आएगी। तो मेन रीजन मेरा यही था दोस्तों बाहर जाने का कि मुझे ATM के कुछ काम थे, तो इसी वजह से मैं रेडी होके बाहर गई थी, वरना मैं यूँ बाहर नहीं जाती हूँ, ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ। तो फाइनली मैं ATM आ पहुँची थी और मैंने अपना काम भी कर लिया था उसके बाद। तो दोस्तों, फाइनली घर से निकल चुकी हूँ और जा रही थी म्यूजियम, लेकिन म्यूजियम का टाइम हो चुका था तो 4:30 बजे म्यूजियम बंद हो गया था। फिर मैं शूटिंग के लिए स्टेशन पे आ गई और फिर यहाँ कोने में छुप के शूटिंग करने वाली हूँ ताकि लोग ज़्यादा देखें नहीं वरना भीड़ लग जाएगी। तो ठीक है, शूटिंग करते हैं, उसके बाद हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद मैंने 2-3 वीडियो की शूटिंग की और वापस मैं घर को आने लगी क्योंकि स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मुझे घर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि जहाँ पर बहुत लोग होते हैं तो मुझे रहना उतना खास नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं वापस घर आ रही थी और ये मैंने अपने कुछ सैंडल्स मेरे टूट गए थे, 4-5 जोड़ा थे, एकदम नए नए थे। आजकल के सैंडल्स पता नहीं कैसे आते हैं, एक दिन पहनो और टूट जाते हैं। तो मैंने मोची अंकल को सिलने के लिए दे दिया था तो वो बहुत ही अच्छे से मेरा सैंडल सिल रहे थे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मेरे घर वापस जाने का सफ़र शुरू होता है और वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। यही सारे सैंडल्स मैंने सिलाए हैं जिसे मैंने मात्र 2 दिन ही पहने थे और टूट गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।